तो फ्रेंड्स, होली का त्यौहार आने वाला है। इस होली पर अपने घर पर ही केसर ठंडाई बनाइए और जो दूध पीना पसंद नहीं करता है वो भी इस गिलास को पूरा खाली कर देंगे। ये हमने 2 गिलास दूध लिया है, इसे हम उबालेंगे क्योंकि कच्चा दूध तो ठंडाई में डलता नहीं है। इसमें हम 2 चम्मच शक्कर डाल देंगे और इसे ठंडा करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ठंडाई का मसाला बनाने के लिए हमने लिए है 1 छोटी कटोरी काजू, बादाम, पिस्ता, तरबूज के बीज, ये खसखस। ये मेन इंग्रेडिएंट्स है, आप इसे स्किप ना करें क्योंकि ये बहुत ठंडक देता है। इसे भी हम डाल देंगे। ये इलायची के दाने, इन्हें मैंने छील लिया था, इसे भी डाल देंगे। अब हल्का सा स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए हमने ली है काली मिर्ची 10 से 15 और ये दालचीनी और ये केसर, सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ। अब हम इन्हें एक मिक्सर के जार में डालकर पीस लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, आप चाहे तो छान भी सकते हैं लेकिन अब ये दरदरा है इसलिए हम इसे एक बार और चला लेते हैं। लेकिन मुंह में हल्का सा दरदरापन सा जो आता है वो भी अच्छा लगता है। ये हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब अगर आप इसे स्टोर कर रखना चाहते हैं तो आप फ्रिज में ही रखें, बाहर ना रखें। बाहर रखने से ये ख़राब हो जाता है। बस एक बार ये मसाला बना लीजिए और पूरी गर्मी फ्रिज में रखकर ठंडाई बनाइए और पीजिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब हम मसाले से ठंडाई बनाएंगे, वीडियो इसकी बिल्कुल ना करें। अब हम एक मिक्सर के जाल में डालेंगे ये 2 चम्मच ठंडाई मसाला, क्योंकि हम 2 गिलास ठंडाई बना रहे हैं। और इसमें डाल देंगे 1/2 कटोरी दूध। इस तरह ठंडाई बनाने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे एक बार फिर मिक्सर में घुमा लेंगे। ये दूध और मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम वो दूध लेंगे जो हमने फ्रिज में रखा था, इसमें शक्कर हमने डाल दी थी। अब हम इसमें केसर डाल देंगे क्योंकि हम केसर ठंडाई बना रहे हैं। लेकिन आपको केसर नहीं डालना है और आपको दूध को येलो भी करना है तो आप उसमें डाल दीजिए हल्की सी हल्दी या फिर फूड कलर। अब हम 1/2 मसाला दोनों गिलास में डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी केसर ठंडाई तैयार होने वाली है। अब हम इसमें डाल देंगे केसर वाला दूध। इस ठंडाई को आप ठंडी ठंडी खीर में भी डाल सकते हैं, खीर बहुत टेस्टी लगती है। और जो बच्चे दूध पीने में आनाकानी करते हैं उन्हें भी इस तरह से ठंडाई बनाकर पिलाइए, वो ज़रूर पियेंगे और शौक से पियेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये केसर ठंडाई? अब गार्निश के लिए हम यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियाँ रख देते हैं। धन्यवाद।